सिद्धि सिला के सिद्धों को आचार्यों को उपाध्यायों को सर्व दिगंबर संतों को आचार्यों को उपाध्यायों को सर्व दिगंबर संतों को मेरे जीवन की अधिकारी मेरी गुरुमा तुम्ही तो हो काम भोगों की अविकारी मेरी गुरुमा तुम्ही तो हो ज्ञान चारित दर्शन की तुम्ही तो मार्ग दर्शक हो चरण दुई की बंदना में मेरा सर्वस्व अर्पण हो चरण दुई की बंदना में मेरा सर्वस्व अर्पण हो। जय बोली देवा देव एक हजार आठ श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। जय बोली वर्तमान शासन नायक श्री गजराज महावीर भगवान की जय। जय बोली गिरनार गौराचार्य श्री निर्मल सागर जी महाराज जी की जय। जय बोली सम्यक ज्ञान श्रवणी प्रशांत मूर्ति कुशल आगम वक्ता भारत गौरव गणनी आर का विशुद्ध मदी माता जी की जय। जय बोली प्रज्ञा पद्मनी गणनी आर का श्री पट्ट गणनी आर का श्री बिग मदी माता जी की जय। उत्तम त्याग धर्म की जय। जैन धर्म की जय। आर का संघ की परोक्ष में विराजमान बड़ी माता जी की चरणों में मेरा सत सत वंदन है अभिनंदन। मंच पे विराजमान पट्टगढ़नी आर का श्री बिगवंती माता जी चरण मेरा सस्ता बंधन अभिनंदन। धर्म प्रेमी बंधु आज उत्तम त्याग का दिन है। आज सभी ने कुछ ना कुछ त्याग किया है। किसी ने हरि का त्याग अभी पंडित जी के मुंह से सुना था, किसी ने 20 हरि का, किसी ने 10 हरि का, किसी ने महीने भर का, किसी ने साल भर का आत्याग किया है और किसी ने अपनी चंचला लक्ष्मी का भी त्याग किया है। आज त्याग का उत्तम त्याग का दिन है तो आज उत्तम त्याग का दिन हमें बताता है कि भारतीय संस्कृति में लेने को नहीं देने का महत्व दिया है। जब तक हम कुछ देंगे नहीं, कुछ दान नहीं करेंगे, कुछ त्याग नहीं करेंगे तो हम श्रावक कहलाने के योग्य नहीं है, क्योंकि बिना दान के बिना त्याग के श्रावक श्रावक नहीं है। और आचार्य जिनसेना सार ने भी कहा है कि महापुराण ग्रंथ में कि जो श्रावक अपनी कमाई का छठवा हिस्सा दान नहीं करता वह निर्माल भोजी कहलाता है। जो भी अपनी कमाई में से छठा भाग का दान नहीं करते वह निर्माल भोजी कहलाते हैं और निर्माल भोजी अगले भव में या तो नरक निकोद के पात्र बन जाते हैं या फिर अगर मनुष्य जन्म मिल भी जाता है तो हम अपंगु मतलब अंगहीन हो जाते हैं और अंग पूरे भी हैं तो मंद बुद्धि मिलती है। यानी कहने का तात्पर्य है कि हमें अपनी कमाई में से छठा भाग अवश्य दान करना चाहिए। अगर हम छठा भाग दान नहीं करते तो हम निर्माल भोजी कहलाते हैं। कहा गया है जो देता है वह देवता है और जो रखता है वो राक्षस है। जो देता है वह देवता कहलाता है और जो रखता है वह राक्षस कहलाता है, क्योंकि जो मनुष्य दान नहीं देता तो वह राक्षस कहलाता है,
व्यवहारिक दृष्टि में भी कहा गया है कि जब बादल बरसते हैं तो वो साफ और स्वच्छ हो जाते हैं, अगर वो बरसते नहीं हैं तो उनका मुंह काला दिखता है, और जब वो बरस जाते हैं तो फिर एकदम साफ हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं। उसी प्रकार यह मनुष्य भी जब तक अगर अपनी कमाई में से अगर दान नहीं करता तो वह हल्का नहीं होता, और जब हल्का नहीं होता तो फिर कहाँ जाता है। जिस प्रकार नदियाँ, जिस प्रकार बादल बरसकर हल्के हो जाते हैं और ऊपर उठ जाते हैं और समुद्र उस जल को ग्रहण करता है, तो वह नीचे ही का नीचे ही रहता है। समुद्र का जल खारा होता है और बरसात का जल मीठा हो जाता है, क्योंकि हम जैन साधु संत जो 24 घंटे तुम्हें दान देते हैं, पुनः धर्मामृत सुनाते हैं, और जब वो भोजन के लिए जाते हैं, आहार के लिए जाते हैं, तो उन्हें हजारों हजारों हाथों से खाने के लिए मिलता है, और हम जब दोनों हाथों से बटोरते हैं तब एक हाथ से धीरे धीरे खाते हैं। त्याग हमें यह बताता है कि त्याग करने से व्यक्ति हल्का हो जाता है, और ग्रहण करने से व्यक्ति भारी हो जाता है, और भारी वस्तु हमें नीचे की ओर ले जाती है, और त्याग करने वाला व्यक्ति ऊपर की ओर उठ जाता है। तो कहा जाता है कि आचरण इंसान को आचरण हैवान को इंसान बना देता है, आचरण इंसान हैवान को इंसान बना देता है, माली वीरान को गुलिस्तान बना देता है। मैं आप बीती कहती हूँ दूसरों की नहीं, मैं आप बीती कहती हूँ दूसरों की नहीं, त्याग इंसान को भगवान बना देता है, त्याग इंसान को भगवान बना देता है। क्योंकि जब हम त्याग की ओर बढ़ते हैं तो हमारी भावना भी सरल, हमारी भावनाओं में सरलता आने लगती है, परिणामों की विशुद्धि बढ़ने लगती है। और जो त्याग नहीं करता वो इसी तरह है जैसे कोई भिखारी भीख मांगता है, पीढ़ी दर पीढ़ी वह भीख मांगता रहता है, लेकिन वह जहाँ का तहाँ खड़ा रहता है। एक अन्ना व्यक्ति इस गेट के बाहर बैठा है और भीख मांग रहा है, उसे सभी लोग कुछ ना कुछ देते जाते हैं। एक महाशय निकले और उन्होंने एक सिक्का उसकी झोली में डाल दिया, उसने उस सिक्के को अलट पलट के देखा तो सिक्का खोटा था। तो है अंधा व्यक्ति कहता है भैया यह सिक्का खोटा है। तो है सामने वाला पूछता है भैया तुम्हें तो दिखाई नहीं देता, तो फिर तुम्हें कैसे पता चला यह सिक्का खोटा है। तो है अंधा व्यक्ति कहता है कि मैं अंधा नहीं हूं, अंधा तो हमारा मित्र है, वो अपने परिवार के साथ सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने के लिए गया है, मैं तो गूंगा और बहरा हूं, मुझे तो सुनाई नहीं देता। कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति कितना पागल बन जाता है दूसरों के कहने में आकर, उसे समझ में नहीं, वह सामने वाला विचार करता है देखो अंधा बन के यह भीख मांग रहा था और आज पकड़ में आ गया, तो कहता है मैं तो गूंगा और बहरा हूँ, गूंगा बोल रहा है, बहरा सुन रहा है, और अंदर अंधा पिक्चर देखने के लिए गया है अपने परिवार के साथ। कहने का तात्पर्य है कि जब तक अपनी वस्तु को हम त्याग नहीं करेंगे तब तक हम हल्के नहीं होंगे, क्योंकि त्याग परिग्रह का प्रायश्चित है, और त्याग से ही हमें परिग्रह का प्रायश्चित मिलता है, और हमें अपने जीवन में कुछ ना कुछ त्याग करना चाहिए, नहीं तो हम जैसे आए हैं वैसे ही चले जाएंगे। इतना कहकर के अपने वक्तव्य को यहीं पर विराम दूंगी। जय बोलिए महावीर भगवान की।
जय बोलिए परम पूजन गणनी आर का विशुद्ध मंदी माता जी की। जय बोलिए पट्टी गणनी आर का श्री बिक्रमती माता जी की। चलिए सभी हम पुनः एक बार माता जी के चरणों में चलते हैं।